गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन बताया था, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन आपसे कराया था। आज मैं सबसे पहले इसका एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने, और इस न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो पिछला हमने किया था उसका एग्जाम्पल हो जाएगा और उससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस आप करना। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको इसके बेस पर। न्यूमेरिकल है, टू शिप्स ए एंड बी आर टेन किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। देखिए, सबसे पहले तो हम एक डायरेक्शनल पोजीशन ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या किया, हमने ये बता दिया देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, क्लियर। अब देखो क्या कहता है ये, ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। जो लाइन है साउथ टू नॉर्थ, ये इसके ऊपर हैं दो शिप, पानी के जहाज हैं, जो साउथ और नॉर्थ वाली लाइन के ऊपर है, 10 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। शिप ए फर्दर नॉर्थ, जो शिप ए है ना वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब फर्दर नॉर्थ का मतलब है कि शिप, मान लीजिए ए यहाँ पर है और शिप बी यहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे भाई कि जो शिप ए है ना वो बी के नॉर्थ में है। समझ आ गया होगा, शिप ए बी के नॉर्थ में है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, ए बी, हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर। इन्होंने बता रखा है कि ये दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर थे, पहली लाइन में ही बोल रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या कह रखा है, सिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्टीमिंग वेस्ट, जो ए है ना वो बी के नॉर्थ में है, बट स्टीम कहाँ कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से, वेस्ट तो इधर है, इसका मतलब ये इधर मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए। और भाई वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। अब आगे देखिए, एंड शिप बी इज स्टीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, जो शिप बी है ना वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। अब ये भी कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो देखिए, हम वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ आ गया भाई, जो जो गिवन था वो हम साथ साथ लिखते चलेंगे और जो हमने स्टेप फॉलो करने हैं वो फॉलो करेंगे। ये कहता है, व्हाट इज दियर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, मतलब आपने टाइम पीरियड निकालना है और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज दियर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि नज़दीक से नज़दीक कब आएंगे वो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, अभी तो ये एक दूसरे से 10 किलोमीटर अपार्ट है, मेरी बात समझ गए। देखिए, अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट वी फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं ए को रेस्ट में मान लेता हूँ, ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, फर्स्ट वी फाइंड वी बी ए, और वी बी ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिख देंगे, वी बी माइनस वी ए लिख दिया हमने। अब देखिए, वी बी माइनस वी ए, एक बार ध्यान से समझ लो भाई, अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं बेटा, वी बी ए को
हम ऐसे लिख दें वी बी प्लस ऑफ माइनस वी ए, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए मैं किसी पॉइंट पर बनाना चाहूँ, मैंने क्या कहा भाई, अगर मान लीजिए वी बी को देखा जाए तो बेटा वी बी तो इधर है, बोलो है या नहीं। हमने लिख दिया वी बी 20 किलोमीटर पर आवर, हो गया। वी ए की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि दोनों वेक्टर है ना, तो वेक्टर को तो हम एक पॉइंट पर लेकर चलेंगे। ये ऊपर गया, ये इधर आ गया, ये क्या है वी ए, ये भी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या कहा कि ये माइनस वी ए है ना, तो हम इधर दिखाते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं माइनस ऑफ वी, बोलो। अब यहाँ माइनस ऑफ वी ए हो गया, इसको भी लिख सकते हो 20 किलोमीटर पर आर। हमने रिजल्टेंट किसका निकालना है, वी बी का और माइनस वी ए का। वी बी इधर है और माइनस वी ए इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो मेरे हिसाब से इधर आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे वी बी ए, मीन्स आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब केवल आप बी की वेलोसिटी बता रहे हो ए के रेस्पेक्ट में, समझ आ गया। आप अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे भाई, वी बी ए मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, वी बी स्क्वेयर प्लस ऑफ वी ए स्क्वेयर, और इसका क्या हो गया अंडर रूट। अब वी बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 स्क्वेयर प्लस 20 स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट। आप सोच रहे हो प्लस 2ab cos थीटा क्यों नहीं किया, बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एंगल कितना है 90 है, आपको पता है ईस्ट और नॉर्थ 90 डिग्री होते हैं ना, तो हमने इसलिए नहीं किया। हमने क्या कर दिया भाई, वी बी ए इज इक्वल टू 20 स्क्वेयर प्लस 20 स्क्वेयर और अंडर रूट, कितना आ जाएगा 20√2 किलोमीटर पर आर। पर अभी तक तो हमने केवल मैग्नीट्यूड बताया, अब मैग्नीट्यूड बताया डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन तो मैं यहीं पर क्या ले लेता हूँ, अल्फा एंगल ले लूँ। हमने कह दिया ये क्या है टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट अल्फा क्या होगा भाई, टेंजेंट अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम निकालते हैं तो मेरे हिसाब से 20/20 आ जाएगा 1, और अल्फा क्या आ गया 1, कब होता है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री तो होता है 1, ठीक है ना भाई। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या कहेंगे भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो ये तो हमने दोनों की वैल्यू और एंगल निकाल दिया। अब देखिए पहले स्टेप में हमने यही बताया था दोनों का अल्फ़ा निकाल देंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। स्टेप सेकेंड, इफ़ ए इज एट रेस्ट एंड बी इज मूविंग विद स्पीड, ठीक है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, हमने बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट की है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं भी यहाँ पर ये कहता हूँ कि ए रेस्ट में है और बी मूव कर रहा है, समझ आ गया, क्योंकि हमने वेलोसिटी किसकी बताई है बी की बताई है भाई। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी इज दिस, तो आप क्या सोचेंगे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो वही बात है कि अगर दोनों की रिलेटिव मैं बता रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं ए को तो रेस्ट में मान लेता हूँ और बी की वेलोसिटी को अगर 20√2 मान लूँ 45 डिग्री ईस्ट के साथ, मेरी बात समझ रहे हो। चलो डायग्राम बना देता हूँ मैं, फिर दोबारा से एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। मैंने ये कहा ये नॉर्थ है भाई, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये है वी बी ए, बताइए कितने एंगल के साथ है 45 डिग्री के साथ बी, और यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या है ए है, क्या है ये ए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इफ़ वी टेक, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ इफ़ A is at rest and B is moving with velocity VAB,
जो बी है वो वी ए बी, और वी ए बी को हम क्या लिख दें, 20√2 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी से बता दिया भाई, जो बी है सॉरी जो बी है वो वी ए बी वेलोसिटी जो हमारे पास क्या आई है, 20√2। 20 नहीं मान रहा हूँ और मैं नॉर्थ में भी नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी उधर जा रहा है, 20√2 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। समझ आ गया, समझ आ गया। देन तो क्या समझा जाएगा भाई, मान लो बी इधर जा रहा है और ए यार रेस्ट में है, तो सबसे कम डिस्टेंस कब होगी, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी ऑन डायरेक्शन ऑफ वी बी ए। समझ आ गया भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब जैसे ये परपेंडिकुलर डाला है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस। हमने क्या निकालना है भाई, ए सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है, इससे छोटी कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो हम ए सी निकालेंगे। आपको पता है ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। अगर ये 45 होगा तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं तो देखो यहाँ एंगल बना हुआ, ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन ए बी। ए बी कितना था, 20 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर, 20 नहीं बेटा 10 किलोमीटर था, यहाँ हमने लिखा था ना इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 45। मतलब हम क्या कह देंगे भाई, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 45 डिग्री। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 क्या हो गया, 1/√2। मतलब हमने क्या कह दिया इसको, इसको हम कह सकते हैं 5√2 किलोमीटर। ए सी इज इक्वल टू 5√2 किलोमीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब दूसरी बात, ये कहता है कि व्हाट इज़ द डिज़ायर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड के लिए हमने क्या कहा था भाई, टाइम पीरियड का तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, ये भाई डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम पीरियड अब बी से सी गया अपॉन यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या है आपके पास, वी बी ए, वी बी ए मैग्नीट्यूड। टाइम पीरियड के लिए तो यही फॉर्मूला है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। अब आपने कहा कि बी से सी गया, बेटा अगर बी सी निकालते हैं तो बी सी हमारे पास क्या होगा, ए बी कोस थीटा होगा, ए बी कोस 45। बोलो होगा कि नहीं भाई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है। तो आपको वैसे तो मैंने कंपोनेंट भी बता रखे हैं, ये साइन कंपोनेंट, ये कोस कंपोनेंट, तो ये ए बी कोस 45 हो गया। मतलब आप टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई कोस 45 1/√2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये वेलोसिटी क्या थी, 20√2। समझ आ गया, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 1/4r। समझ आ गया, तो 1/4r का मतलब क्या आ गया, t इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये अपने क्लोजेस्ट अप्रोच पर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। समझ आ गया भाई। अब मैं आपको एक अलग टाइप आपको सिखा रहा हूँ, अगले टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या बता रहा हूँ भाई, रिवर बोट प्रॉब्लम। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आईआईटी में पूछी जाती है बेटा, और जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये भी आईआईटी पर्पज़ के लिए है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं।
और आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आप सभी की बुक्स में भी या कहीं भी किसी भी मटेरियल में, आया ये आकाश का मटेरियल हो, रेजोनेंस मटेरियल हो, सभी में आपको ये मिलेगा। देखिए ध्यान से, रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये मैं सबसे पहले रिवर फ्लो की डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। किसकी डायरेक्शन दे रहा हूँ? रिवर फ्लो की। सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि जो ये वाली डायरेक्शन है ना, मैं इस पॉइंट से यूँ शो करके दिखा रहा हूँ और इसको लिख देता हूँ वी आर। वी आर का मतलब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ आ गया होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रिवर का जो फ्लो है ना वो उधर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस तो उसका फ्लो है और वाई एक्सिस उसकी विड्थ है, ठीक है। समझ आ गया होगा? वाई एक्सिस क्या ले रहा हूँ मैं? विड्थ ऑफ रिवर। एक्स एक्सिस में क्या ले रहा हूँ? फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स एक्सिस में फ्लो ऑफ रिवर और वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं? विड्थ ऑफ रिवर। अब मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। हमने क्या कह दिया? ए बी को हमने क्या बता दिया भाई? विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। हमने ए बी को क्या बता दिया भाई? विड्थ ऑफ रिवर। अब ये बताना है कि यहाँ से मान लीजिए बोट मैन इसको, देखिए जब रिवर बोट प्रॉब्लम आती है तो भाई जल्दी से जल्दी कैसे क्रॉस किया जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ से कैसे क्रॉस किया जा सकता है, सब हमारे पास मेन बेसिक यही क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। समझ आ गया ना भाई? भाई शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होगा, और एक एक ये पूछा जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में बोट मैन ट्रेवल करे, स्विमिंग या बोट, अपनी बोट को लेकर जाए कि वो डायरेक्ट एक दूसरे से क्रॉस, उसको क्रॉस कर दे। जैसे कि ए से एंट्री करता है, बी पर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ चला गया या यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम ए से एंट्री करे और बी पर निकले, तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में क्रॉस करने के लिए क्या करे, किस डायरेक्शन में मूव करे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो अब जो बोटमैन है वो कहाँ ट्रैवल करेगा? अब बोटमैन की बात की जाए तो हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए बोटमैन इधर ट्रैवल कर रहा है, रिवर का फ्लो इधर है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर इधर ट्रैवल करेगा तो जो पानी का जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो उसको कहीं दूर लेकर जाएगा। तो ये कहता है कि हम इधर फ्लो करते हैं, वी बी आर। हमने वी बी आर को क्या बताया भाई? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में वो इधर जा रहा है। क्या लिख दूँ मैं इसको? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। समझ आ गया होगा? हमने ये क्या बता दी? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन जो उसकी विड्थ के साथ थीटा एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है? विड्थ के साथ थीटा एंगल बना रही है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए वी बी, तो वी बी को मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन बोलूँगा। क्या कहूँगा बेटा मैं? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। समझ आ गया होगा? अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए वी बी आर बोला जाता है, वी बी आर को आप क्या लिखते हो बेटा? वी बी माइनस वी आर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोलो कहोगे कि नहीं? अब आप क्या कहोगे? अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोलो कहोगे कि नहीं?
वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऑब्वियस ये बात सही भी है, आपने कहा था रिवर के रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, रिवर का फ्लो इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, कि बोटमैन कहाँ गया। समझ आ गया कि नहीं, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है वो यहाँ पर वी बी को हम ये कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, और ये क्या था रिवर के रेस्पेक्ट में था। समझ आ गया, वी बी को हम क्या बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या रिलेटिव टू ग्राउंड, समझ आ गया होगा, और वी बी आर क्या था वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अब हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, लेट द बोटमैन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, बोटमैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। समझ आ गया, विद वेलोसिटी वी बी आर, वो वी बी आर वेलोसिटी से शुरू हो जाता है इन डायरेक्शन, और बता देता हूँ इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद विड्थ ए बी, ए बी के साथ थीटा एंगल बनाकर शुरू हो जाता है। समझ आ गया होगा, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर आपको दिखाया, मैंने क्या लिखा अभी अभी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अभी अभी हमने लिखा भाई। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की टर्म में लेता हूँ तो मैंने क्या कह दिया वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव टू एक्स, तो हम क्या कह देंगे भाई, अगर मान लीजिए आप इनकी डायरेक्शनल लेते हो या अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी बी आर एक्स लिखना पड़ेगा प्लस वी आर एक्स लिखना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस की का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन एक्स एक्सिस की अलोंग ले लो, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर एक्स एक्सिस ले लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्स एक्सिस ले लो। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? अगर हम ये सारे के सारे एक्स एक्सिस में लेते हैं तो इसका मतलब है जैसे कि आपसे कह दिया जाए वी बी एक्स, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हमने मान लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो समझ आ गया होगा, जैसे वी बी आर एक्स है बी आर एक्स, हम क्या कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर अलोंग एक्स एक्सिस, वी आर एक्स लिखा जाए तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अलोंग बताई, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है तो आप एक बार देखिए, अब क्या करोगे भाई, देखिए अगर इसके कंपोनेंट बनाने हैं तो इधर क्या हो जाएगा, आपने क्या कह दिया वी बी आर कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा, बोलो हो गया कि नहीं, क्लियर है? तो आपने क्या कहा भाई, एक्स एक्सिस आपने इधर लिया हुआ है तो वी बी आर का एक कंपोनेंट बन गया साइन थीटा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हम क्या कह देंगे भाई वी बी एक्स इज इक्वल टू,
भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो क्या लिख दिया, माइनस ऑफ वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर, रिवर तो एक्स एक्सिस में ही था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही था तो वी आर एक्स लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ गया। अगर आपसे कहा जाए अलोंग वाई एक्सिस, बोटमैन का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अलोंग वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस में वी बी आर का है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना भाई, हमने कह रखा है ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ कंपोनेंट कितना बना है, वी बी आर कोस थीटा प्लस, अब रिवर, रिवर तो ओनली एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में तो फ्लो ही नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। मेरी बात समझ गए कि नहीं, तो हमने क्या कह दिया कि वाई एक्सिस के अंदर वी बी आर कोस थीटा है। अब आपसे क्या कहा जाएगा, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, हेयर मैं ये कहता हूँ कि टाइम टेकन बाय बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। अब आपने समझना है, मैंने क्या किया, जो बोटमैन है ना, मैंने उस बोटमैन की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग लगा निकाल दी है। मैंने इस बोटमैन की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल दी और वाई एक्सिस के अलोंग निकाल दी, कंपोनेंट बना दिए और उनके अलोंग मैंने इनकी वेलोसिटी अलग अलग फाइंड आउट कर दी। अब आपसे क्या पूछा गया, टाइम टेकन बाई बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। भाई इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करना है तो वेलोसिटी कौन सी ज़रूरत है, जो विड्थ की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, उसी की ज़रूरत है। मतलब हम क्या कह देंगे, टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस कितनी है, हम विड्थ को क्या मान लेते हैं, विड्थ ए बी है ना, इस विड्थ को मैं डब्ल्यू से लिख दूँ भाई, ठीक है, W अपॉन, बेटा एक बात देखो, जिस डायरेक्शन में विड्थ है वो डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो वेलोसिटी भी वाई एक्सिस की लेनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है किसी और एक्सिस की वेलोसिटीज का यूज करेंगे हम। तो हमने क्या कह दिया, अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब हमने क्या कह दिया, W अपॉन वी बी आर कोस थीटा। बोलो हो गया कि नहीं, W अपॉन वी बी आर कोस थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, टाइम पीरियड आ गया, समझ आ गया, ये हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसके बाद ये कहता है कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन द बोटमैन रीच द अदर बैंक। अब क्या आपको पता है कि ये बोटमैन ए से एंट्री करे और बी पर ही बाहर निकले, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी तो इसकी वेलोसिटी है, हमने लिख रखा है वी बी एक्स, बोलो लिख रखा है कि नहीं। अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये समझ आ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपसे ये कहा जाए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैंने कहा था कि फ्लो ऑफ रिवर है, ठीक है, कि उसके फ्लो के अकॉर्डिंग एक एंट्री करने के बाद एक्स एक्सिस में वो कितनी दूर आगे जाकर निकलेगा दूसरे किनारे पर, व्हेन ही रीच, व्हेन ही रीच ऑन द अदर बैंक, क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस में है ना डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को एक्स कह देता हूँ, वेलोसिटी अलोंग बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड। मेरे हिसाब से तो यही होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एक बात ध्यान से समझिए, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमने निकाला था, बी एक्स निकाला हुआ है कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया बेटा इसको, वी आर एक्स माइनस वी, क्या लिखा हुआ है बेटा ये, बी आर साइन थीटा, बी आर साइन थीटा, क्लियर, मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कोस थीटा, टाइम पीरियड यही था ना, टाइम जो अभी अभी हमने निकाला है ना, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कोस थीटा लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस।
फ्लो ऑफ रिवर, समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कुछ स्पेशल केस से जो पॉइंट बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया, स्पेशल केस। सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, ए कंडीशन व्हेन द बोटमैन क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहला कंडीशन व्हेन द बोटमैन क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में क्रॉस करना है, क्योंकि आपको पता है अगर वो मान लो यहाँ से सीधा जाएगा तो वो बहुत दूर पहुँचेगा, अगर इस डायरेक्शन में गया फ्लो की डायरेक्शन में तो और ज़्यादा दूर पहुँचेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके फ्लो का अपोज करेगा और भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं जिससे हम इनका सोल्यूशन नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम टाइम में वो कब सोल्व करेगा। देखिए बेटा, टी इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, वी बी आर कोस थीटा था कि नहीं। अब टी इज इक्वल टू विड्थ अपॉन वी बी आर कोस थीटा है। बेटा विड्थ आप कम नहीं कर सकते, वी बी आर वेलोसिटी है बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये तो जो है वो तो है ही बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है। आप क्या चेंज कर सकते हो, केवल थीटा। थीटा आप कहाँ ले सकते हो, थीटा आपने किसके साथ लेना है, बस ये समझना है। आप क्या कह सकते हो, अगर इफ कोस थीटा मैक्सिमम देन टी मिनिमम, बोलो कहोगे कि नहीं भाई, कोस थीटा अपॉन में है, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, वन, देन और वन कहाँ होती है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो डिग्री क्या होता है बेटा, वन, मालूम होगा। कोस जीरो, जीरो का मतलब है कि जैसे कि ये आप ये बता रहे हो कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है, ये ए पॉइंट है, ये वी आर है, हो गया। अगर बोटमैन जस्ट इसको एक दूसरे अपोजिट एंड पर इस डायरेक्शन में वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, थीटा जीरो हो गया, इसके साथ थीटा नहीं देखना, विड्थ के साथ ही देखना है, समझ आ गया। क्योंकि आपको याद होगा थीटा किसके साथ लिया था, विड्थ के साथ लिया था, तो हम इसके रेस्पेक्ट में ही देखेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि अगर वो डायरेक्ट ए से बी डायरेक्ट क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो मिनिमम टाइम लेगा, और देन टी मिनिमम इज इक्वल टू हम क्या बता देंगे, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, ये मिनिमम टाइम होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब सेकंड केस लेते हैं भाई। सेकंड केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मान आपसे ये कहा जाए कि ये बोटमैन है ना, ए पॉइंट पर बोट को चलाना शुरू करे और बी पर ही निकले। अब देखिए, अगर वो इस डायरेक्शन में गया तो वो निकलेगा कहीं और, बी पर नहीं निकलेगा, पर इतना है कि वो कम टाइम में निकल जाएगा, कहीं पर भी निकले पर कहाँ निकलेगा, कम टाइम में इसको क्रॉस करेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको कहीं और पॉइंट पर नहीं जाना, बी पॉइंट पर जाना है, तो ये कहाँ स्विमिंग करे, ये सॉरी कहाँ पर अपनी बोट का फ्लो रखे, किस डायरेक्शन में अपनी बोट का फ्लो रखे, तो आपने ये भी समझना है। मैंने ये कहा, अगला पॉइंट है कंडीशन व्हेन द बोटमैन wants to reach point B, that is at a point 'just opposite from where he started. समझ आ रहा है, इसको उसके जस्ट अपोजिट निकलना है, ये रिवर है,
आपने कहा कि ये रिवर फ्लो है वी आर, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर निकलना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होनी चाहिए। तो अगर इधर करने के लिए तो इसका मतलब वो स्विमिंग वो अपनी बोट को इधर लेकर जाए, रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी बोट की डायरेक्शन यहाँ हो, तभी तो ये क्या होगा रिवर फ्लो इसको यहाँ पर पहुँचाएगी। उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, मेरी बात समझ गए कि नहीं, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। अब इस केस में आप कैसे पढ़ोगे, इस केस में पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे, हेयर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि आपने कहा था ये तो वाई है, ये क्या है एक्स है, हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया जीरो। अब आप सोच रहे हो जीरो तो नहीं है, ये ए से बी पहुंच गया, अगर ए से बी की बात करते हैं ये तो वाई एक्सिस है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट कब होता है जब ये यहाँ से वहाँ चला जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स का, ये होता है एक्स, तो पर ये तो एक्स है ही नहीं ना, अगर मान लो ये यहाँ चला जाए तो ये है ना एक्स, तो एक्स एक्सिस तो इधर चला गया, अगर ये बी पर ही गया तो एक्स एक्सिस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समझ आ गया, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पर ही रह गया। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना है आपने। अब एक्स के लिए हमने वैल्यू निकाली थी डिस्प्लेसमेंट, क्या आई थी भाई हमारे पास, देन वी आर एक्स माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या कह दिया हमने जीरो। अगर ये जीरो है तो बेटा ये तो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड तो जीरो हो नहीं सकता, तो हम क्या कहेंगे कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो सकती है जीरो, मेरी बात समझ गए, मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, मेरी बात समझ आ गई, अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो सकता है तो हमने क्या कह दिया यहाँ से, देन वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर एक्स, बोलो कह सकते हैं कि या वी आर भी कह सकते हो, कोई आर एक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो केवल आर ही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप इसको एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर बता सकते हो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर केवल और केवल एक्स एक्सिस में ही है, तो वी आर कह सकते हो। फिर आप क्या कहोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, बोलो हो गया कि नहीं, और हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, यहाँ से थीटा निकाल लो, ये कहता है कि इसके साथ इस एंगल से अगर आप मूव करोगे तो ए पॉइंट से एंट्री करोगे बी पर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है और यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर ही फ्लो डिपेंड करेगा, समझ आ गया। और आपको किसके जाना होगा, अपस्ट्रीम इतने एंगल पर जाना होगा, अपस्ट्रीम का मतलब है बहाव के अपोजिट, फ्लो के अपोजिट, अपोजिट टू द फ्लो, समझ आ गया। पर इसमें भी एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, इसके स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ। अब भाई आपने यहाँ बता तो दिया कि साइन थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझना है, अगर हमें ये अपने तरीके से समझ नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। चलो देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो साइन थीटा है, इसी केस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर क्या कहा जाता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, ये कह दिया। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर और इक्वल टू वी बी आर, मेरी बात समझ गए भाई, रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपैरिजन में या तो उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बोटमैन कैन नेवर रीच एट एंड बी इन दिस केस बोटमैन कैन नेवर
रीच एट बी, बी एंड जो हमने एकदम अपोजिट एंड लिया था उस पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वी आर इज ग्रेटर और इक्वल टू वी बी आर। हमें पता है साइन थीटा मैक्सिमम वन होता है, मतलब थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, वन से मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती। अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर बोला, वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर बोल दिया, वी आर की वैल्यू वी बी आर से ज़्यादा है, वी आर की वैल्यू वी बी आर से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा? वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, इस केस में क्या करोगे? साइन थीटा इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा ना, साइन थीटा इज ग्रेटर देन वन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? हम इस वैल्यू को मतलब साइन थीटा अगर हम कहें ग्रेटर देन वन तो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए? और अगर हम वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर और इक्वल भी लेते हैं 90 डिग्री, मान लीजिए आपने 90 डिग्री भी बोल दिया तो भी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा कि भाई ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये विड्थ है, अगर यहाँ से 90 बनाना है तो ये तो अपोजिट हो गया। अगर मान लीजिए आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो क्रॉस कैसे करोगे? मेरी बात समझ गए? अगर आपने कहा वी बी आर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, अगर आपने 90 डिग्री ले लिया तो आप क्रॉस कैसे करोगे? इम्पॉसिबल केस है ये तो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो एक बात याद रखनी है कि वी वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से के इक्वल और ग्रेटर नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। और अगर हम ये भी कहें कि अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए अगर कोई भी रिवर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो प्रैक्टिकली ए पॉइंट से एंट्री करके बी पॉइंट पर निकलना पॉसिबल नहीं है। अगर रिवर फ्लो बहुत कम है तो पॉसिबल है। समझ आ गया होगा? थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये इसका लास्ट पॉइंट है। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जो बोटमैन ट्रैवल कर रहा है वो छोटे से छोटे पाथ को ट्रैवल करके छोटे से छोटे पाथ को ट्रैवल करे। इसका मतलब है पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बोटमैन when he reach the opposite bank। चलो ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है थीटा एंगल बनाकर, ये वी बी आर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, यहाँ आपने कह दिया वेलोसिटी ऑफ बोट इधर गई और सी पॉइंट पर पहुँच गई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये विड्थ ऑफ रिवर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, देन हम क्या निकालते हैं बेटा, ए सी निकालते हैं। ए सी अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। हम तो पाथ की बात ही कर रहे हैं, डब्ल्यू हमारे पास विड्थ हो गई जो कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमारे पास दो केस पॉसिबल है। हमने क्या कह दिया, पहला केस इफ़ वी आर इज लेस देन वी बी आर, पहला केस तो यही है। इस केस में मैंने कह दिया रिवर की जो स्पीड है वो बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में कम है। इस केस में, इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस केस में एक्स जीरो हो जाएगा जो हमने पिछले स्टेप में बताया था, और उसमें हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। अगर हम थीटा इतना लें देन एस मिनिमम इज इक्वल टू विड्थ हो जाएगा, ठीक है, बट इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, ये केस तो काफ़ी इजी है, सीधा ए से एंट्री करी बी पर निकल गए। मान लीजिए आपसे ये कह दिया गया
इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, रिवर का फ्लो बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे? उस केस में हम क्या करेंगे? इन दिस केस एक्स इज मिनिमम लेना है, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जो थीटा पर डिपेंड करेगा, हम थीटा को कितना चेंज कर सकते हैं। और जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा निकाल कर उसको जीरो पुट कर देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ आ गया होगा। क्या करेंगे हम? एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एक्स कम से कम हो। अब ये एक्स कम से कम कब होगा? जो डिपेंड करेगा थीटा पर, कि हम थीटा को कितना लें। समझ आ गया? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो। अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू तो हम पिछले पेज पर निकाल ही चुके हैं, पिछले पॉइंट में निकाल चुके हैं। हमारे पास एक्स क्या था भाई? वी आर माइनस ऑफ वी बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई W अपॉन वी बी आर कोस थीटा, विच इज इक्वल टू क्या है? जीरो। अब एक बात ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे भाई? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन के लिए तो आप दो, हमारे पास दो फंक्शन है, प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको सीधा W से मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन में लेकर डिवाइड रूल भी लगा सकते हो। जब हम इसका डिवाइड रूल लगाएंगे तो मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको करके बता देता हूँ। वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा अपॉन वी बी आर कोस थीटा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैं रूल लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। सेकंड फंक्शन का होल स्क्वेयर कोस थीटा, हमने इसका होल स्क्वेयर कर दिया। सेकंड फंक्शन एज इट इज वी बी आर कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए बेटा, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कॉन्स्टेंट है, तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस ऑफ डब्ल्यू वी बी आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डब्ल्यू इंटू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और अगर हम वी बी आर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी बी आर साइन थीटा माइनस, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वी बी आर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस है डब्ल्यू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू, फिर हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ से क्या हो गया, वी डब्ल्यू तो बाहर है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा एंड वी बी आर साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू तो दोनों से बाहर लेकर कैंसिल कर दिया, तो वी बी आर कोस स्क्वेयर थीटा और माइनस ऑफ ये आएगा वी बी आर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस डब्ल्यू वी आर वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया भाई? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस प्लस को देखेंगे और वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की। हाँ देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर वन हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? वी बी आर वी स्क्वेयर होगा भाई, यहाँ पर दोनों बी आर आए ना, तो वी बी आर स्क्वेयर, और ये प्लस प्लस ये माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस ये उधर जाएगा, तो माइनस ऑफ डब्ल्यू वी आर वी बी आर राइट साइड जाएगा, तो प्लस इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया, वी बी आर एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे भाई, सॉरी डब्ल्यू तो हमने बाहर लेकर कैंसिल कर दिया था ना सबका, तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई? वी बी आर अपॉन वी आर एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर,
मतलब अब की बार हमेशा वी आर अपॉन वी बी आर आ रहा था हमारे पास, अब की बार थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वी बी आर अपॉन वी आर। इस केस के अंदर क्या होगा, एक्स हमारे पास मिनिमम होगा जब हमारे पास वी आर इज़ ग्रेटर देन क्या हो, वी बी आर। समझ आ गया होगा। तो आपने इस तरह इसमें जो रिवर बोट प्रॉब्लम है उसके न्यूमेरिकल करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। थैंक यू।